हमारे पिताजी पंडित धनीराम जी, भाई साहब बड़े मेरे से छोटे यानी कि बीच वाले विद्यासागर जी, नेक्स्ट मोती सागर जी, हमारे पुत्र सुपुत्र शिवम भारद्वाज, बहन जी अनीता, उसके बाद ये भांजा है हमारा वंश, सामने है हमारे आशीष राठी जी दिल्ली पुलिस फोर्स के स्पेशल एजुकेटर, विनय कुमार कंप्यूटर शिक्षक, पवन यादव एसएसटी टीचर, पूर्व कुमार लैब असिस्टेंट, अनिल यादव जी मैथ टीचर और विद्यालय का पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, गुरवी भांजी देवती है ये भी देवती, फिर आरव शर्मा आ गया, साक्षी मेरी बेटी और ये मेरी अर्धांगनी उर्मिला। यहाँ से आते हैं जी विकास यादव जी, यहाँ पे ईवीजीसी के टीचर हैं, पूनम रानी ड्राइंग टीचर जिनका ये आप देख। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय विद्यालय प्रमुख श्री शिवचरण मीणा जी, सम्मानित सहकर्मी अध्यापकगण, पूजनीय पिताश्री जी, परिवार के सदस्यगण, मैं अपनी अध्यापन कार्य से सेवानिवृत्त समारोह में पधारने पर आपका नानाखेड़ी विद्यालय में आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पूर्व मेरे सहकर्मी सदस्यों ने, मेरे परिवार के सदस्यों ने अपने मुखारबिंद से मेरे बारे में, मेरे गुणों आदतों व्यवहार जिम्मेदारी के बारे में गुणगान किया है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से शायद डिज़र्व करता हूँ या नहीं आई डोंट नो, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपने अध्यापन कार्य में हर विद्यालय में अपना 100% देने की कोशिश की है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, अध्यापन का क्षेत्र हो या किसी कार्यालय का क्षेत्र हो। मैं अपना 100% देने की कोशिश की है और कुछ नया सीखने का प्रयास मैं निरंतर करता रहा हूँ। सीखना चाहे छोटे से हो या बड़े से, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है अपने विद्यालय में भी और इसके पूर्व के विद्यालय में भी, क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रयास है जो हमेशा करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वैसे तो हर विद्यालय मेरे लिए विशेष रहा है, कहीं किसी से कोई द्वेष नहीं रहा, लेकिन यदि गोल्डन पीरियड की बात की जाए, यह विद्यालय वास्तव में मेरे लिए गोल्डन पीरियड रहा है। यहां से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के स्टाफ सदस्यों से पारिवारिक मैत्री संबंध रहा है और हर परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्यों से अपने घर की, परिवार की, सेहत की और यहाँ तक कि निवास स्थान की, आगे भविष्य की योजनाओं की चर्चा करता है और जितना मेरे में सामर्थ्य है मैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ और आगे भी यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। इस विद्यालय के हर सदस्य ने मेरा पूरा सम्मान किया है, रिगार्ड किया है और आज भी कर रहे हैं, जो शायद किसी किसी को ही नसीब होता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर ऑल स्टाफ फॉर दिस पर्पस। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे परिवार का विशेष योगदान रहा है, पिता का आशीर्वाद एवं विश्वास सदैव मेरे ऊपर बना रहा, छोटे बहन भाइयों का प्यार हमेशा बना रहा, मेरी अर्धांगिनी जो मेरे से पूर्व वक्ता थी का मेरे जीवन में, घर में, कार्यस्थल में और समय पर विद्यालय पहुंचने में विशेष मेवाई रही, जिन्होंने जिस दायित्व को इन्होंने बहुत बखूबी से निभाया है और अथक प्रयास किया है और कर भी रही हैं। परिवार के अन्य सदस्य, मेरे भाई बहन मुझसे छोटे हैं, विद्यालय परिवार की भांति ये सभी मेरा पूरा सम्मान करते हैं और आज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, बेटा बेटी सभी मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसके लिए शायद मैं फिट नहीं हूं, क्यों वक्त की मांग है, जनरेशन गैप है, कुछ योग्यता हमारी पुरानी हो गई है, कुछ चांसेस नए आ गए हैं, तो हमें वक्त के अनुसार अपने आप को बदलना होगा और नई जनरेशन के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। मैंने अपने जीवन में अपनी समझ सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार को एजुकेट करने, उनको आगे ले जाने, एक अच्छा इंसान बनाने का पूरा प्रयास किया है। भगवान की कृपा से सभी संपन्न है, स्वस्थ है और अपनी अपनी फैमिली में खुश है। वैसे तो इस विद्यालय का हर सदस्य मेरे लिए सम्मानित है, क्योंकि सभी का पूरा सहयोग मेरे लिए रहा है। सभी के गुणों का मैं कहां तक बखान करूंगा, शायद समय ज्यादा हो गया है, लेकिन कुछ आदमियों का नाम, व्यक्तियों का, सदस्यों का नाम लेना चाहूंगा।
शिक्षण कार्य के अंतिम पड़ाव के सारथी श्री अनिल यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने ले जाने का निस्वार्थ भाव से जिम्मेवारी निभाई और सहस किया। मैंने कुछ करने का भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना आदर्श मानते हुए, अपना बड़ा भाई मानते हुए मुझे रिगार्ड दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम पूनम रानी जी सन 2000 से मेरी सहकर्मी है, हम कांगन एडी में एक साथ थे। मैंने 93 में ज्वाइन किया, मैडम ने 2000 में कांगन एडी में ज्वाइन किया, और ये मानो ये वहां पे इकलौती महिला थी, उसका पूरा ही मेल स्टाफ था, लेकिन यहाँ की भांति वहां भी इनकी वोट हमारे पक्ष में थी। और आज जो विद्यालय की साथ सजावट, जो सम्मान विद्यालय का इनके अनुयायी में हुआ, पूरे स्टाफ ने जो प्रयत्न किया, वास्तव में जैसे धन्यवाद के पात्र है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी मेरे से आगे ये विद्यालय इंचार्ज रहेंगी, विद्यालय का कार्यभार संभालेंगी, अपनी सूझबूझ और सहयोगियों के सहयोग से करने की योग्यता परमात्मा इनको प्रदान करे और ये अपने मुकाम पर पहुंचे। आज 31/12/2022 को विभाग के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के उपरांत मैं अपने अध्यापन कार्य से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आपका प्यार सम्मान मैं सदैव याद रखूंगा, आपका कृतज्ञ हूँ। जितना मान सम्मान आपने मुझे एवं मेरे परिवार को दिया, मेरे इस विद्यालय प्रांगण में या बाहर जाने अनजाने में कोई भूल हुई तो आप मुझे क्षमा करें। मेरे निजी सहयोग की आवश्यकता यदि भविष्य में इस विद्यालय को या किसी भी स्टाफ सदस्य को होगी तो मैं उसको पूरी करने की कोशिश अवश्य करूंगा। मैं अपने विद्यालय के अन्य कर्मचारी कलावती, कविता, जसवंत, धर्मवीर व अन्य गार्ड सभी सदस्यों को भी अपनी सेवा के लिए धन्यवाद करता चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं इस गांव के विद्यालय को, पावन भूमि को नमस्कार करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी अपने परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं एक दूसरे के सहयोगी बने। छोटा सा है आप लोगों के मनोरंजन के लिए भी, यह छोटा सा ज्यादा नहीं है। हर स्टाफ को मैंने छूने की कोशिश की है, यदि किसी को बुरा लगे तो प्लीज मत मानना। छोटा छोटे टाइटल्स है मेरे पास, शिव चरण मीना हर हाल में खुश रहकर जीना। लक्की मैन है जी। नंबर दो में बारी आती है मेरे साथी की, अनिल नहीं रखते किसी का पेंडिंग बिल। अनिल नहीं रखते किसी का पेंडिंग बिल, द परफेक्ट मैन एंड पिलर ऑफ द स्कूल। पूनम रानी हर उत्सव की नई कहानी। पूनम रानी हर उत्सव की नई कहानी, द सदाबहार मैन। आज वो बात बोलूंगा, मंजू बाला विद्यालय का कोई काम नहीं था। मंजू बाला विद्यालय का कोई काम नहीं निकाला, लेकिन द जिज्ञासु में इसका कुछ ना कुछ जानने की कोशिश रहती है, कहीं से कोई काम मिल जाए। पवन नहीं किसी से जलन, पवन नहीं किसी से जलन, ना तेरा ना मेरा, नो मर ना धार तेरा। बच्चों की नजरों में और स्टाफ की नजरों में दबाए सर। संगीता मैडम को टाइटल पहले दे चुके हैं, जैसे संगीता ये है सर्वज्ञाता, संगीता ये है सर्वज्ञाता, टाइटल पहले ही है द एक्सीलेंस मैन। गीता जी की जीवनी हमने देखा है अपने जीवन में, कैसे कहां से किस मोड़ पर आई गीता, आज के युग की सीता।
टाइटल है इनका द मिठाई मैन, क्योंकि रोज मिठाई लेकर के आती है, गर्व करती है मिठाई में, सबको शूट करती है। सुदेश हैप्पी विद स्माइल फेस, ऑलवेज हैप्पी विद स्माइल फेस, टाइटल आपका पुराना ही रख दिया है। चले खुशी सिंह जी, हाय रब्बा मैं, चले खुशी सिंह जी, हाय रब्बा कृष्णा, हरे राम हरे राम। कृष्णा अभी कट्टे की पूरी नहीं हुई कृष्णा, हाँ अभी कट्टे की पूरी नहीं हुई कृष्णा, एम्बिशियस मैन, मेरे नोटो वाला बेटा क्या एम्बिशियस मैन। विनय कुमार दुलारा बेशुमार, विनय कुमार दुलारा बेशुमार, वेरी कैलकुलेटिव मैन, हर चीज को देख भाग के संभाल के, कोई चीज कहाँ से शॉपिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, वेरी कैलकुलेटिव मैन। रोज बायोमेट्रिक खराब हो गया, आशीष राठी पुलिस विदाउट राठी, आशीष राठी पुलिस विदाउट लाठी, द ओनली बैचलर सर, ओनली बैचलर सर। फूल हिसाब में नहीं करता कभी भूल, पैसे मांगते रहता चाहे फूल हिसाब किताब में नहीं करता कभी भूल, टाइटल सर ने दे रखा है भामाशा। अमिता हंसते हंसते सबको जीता, अमिता हंसते हंसते सबको जीता, चुलबुली खलबली आए तो खलबली ना आए तो विकास नए युग की आस, विकास नए युग की आस। अब क्या कहता तुम उधार के साथ सैलरी कहीं और बनती है, पांच दिन कहीं और है, एक दिन यहाँ आते हैं, तो हमारे लिए तो उधार के साथ। मनोज ले रहे हैं मोज।